हेलो गाइस, मेरा नाम है मानव। आप देख रहे हैं टेक्निकल मानव यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये 25 मीटर इथरनेट केबल है और जो नॉर्मल केबल आते हैं इथरनेट के, उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप एक 25 मीटर का इथरनेट केबल खरीदते हो तो क्या आपको सेम स्पीड आएगा या फिर नहीं आएगा, और इसका प्राइस जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो का एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसका जो प्राइस है आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलते रहेंगे ऐसा डील, और ये बेस्ट डील के अंदर खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। तो डेली बेस्ट डील और लूट ओवर के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पता चल जाएगा कि प्राइस कितना है और सेम स्पीड देता है या फिर नहीं देता है। तो गाइस, ये है हमारा 25 मीटर इथरनेट केबल, इसको हम कनेक्ट करेंगे और देखेंगे स्पीड आता है सेम या फिर कम स्पीड आता है। और प्राइस है इसका 143। साइड में आपको मैं डाल दूंगा इसका बिल या फिर स्क्रीनशॉट ऑर्डर का, इसका 143 इसका प्राइस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल जल्दी ज्वाइन करो। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। पहले तो पहले हम हमारा नॉर्मल जो लगा हुआ था इंटरनेट केबल, इसको निकाल लेते हैं। पहले हम इसको साइड में रख देते हैं और हमारा जो अभी जो 25 मीटर है इसको हम कनेक्ट करते हैं। और एक कनेक्ट करेंगे हम ये सीपीयू में, और ये हम कनेक्ट करते हैं अपने सीपीयू में और देखते हैं क्या सेम स्पीड आता है या फिर नहीं आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी ज्वाइन करो। तो चलिए इसको लगा देते हैं। पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लगा दिया है, एक यहाँ पर एक है इस राउटर के साथ और यहाँ पर एक सीपीयू में है, और अब हम देखेंगे इसका स्पीड टेस्ट का क्या सेम स्पीड आता है या फिर कम हो जाते हैं। तो चलिए पहले ऑन कर लेते हैं हमारा कंप्यूटर। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ तो आप बोलोगे कि ये अलग कोई इथरनेट केबल से कर लिया है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करूँगा। और मैं एक बार बता देता हूँ, इसका प्राइस है 143। तो दोस्तों, स्पीड टेस्ट शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर एक कनेक्टेड है राउटर के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये कनेक्टेड है राउटर के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक केबल है सीपीयू के साथ कनेक्टेड, कोई अलग नहीं है। तो इसको हम पहले, तो दोस्तों जैसे कि हम कनेक्ट कर दिए हैं इथरनेट केबल से, ये 25 मीटर इथरनेट केबल से कनेक्टेड है, और ये अब हम स्पीड टेस्ट करके देख रहे थे। पहले भी स्पीड टेस्ट किया था, ये आप देख सकते रिजल्ट, पहले बार जो किया था वो रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी हम कर देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये जो फ़ोन है इसका स्टोरेज ख़त्म हो गया है, तभी ये फ़ोन से कर रहे हैं कि देखते हैं कि क्या सेम स्पीड आता है या फिर नहीं आता। ये होता है डाउनलोड स्पीड, और ये 30 Mbps का प्लान है जैसे कि। तो चलिए, ये तो सेम आ रहा है नॉर्मल इथरनेट केबल जो होते हैं, तो हम अपलोड स्पीड देखना पड़ेगा कितना दे रहा है। और चलिए अपलोड स्पीड देख लेते हैं, और अपलोड स्पीड भी सेम आ रहा है। तो चलिए, अपलोड स्पीड भी सेम आ रहा है। तो ये जो 25 मीटर का जो इथरनेट केबल है, ये मैंने 143 में परचेस किया था। तो आप भी अगर ऐसे बेस्ट डील चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डेली आपको लूट डील्स और बेस्ट ऑफर मिल जाएगा। तो आपने देख लिया कि ये जो केबल है इसमें बिल्कुल भी सेम स्पीड आ रहा है, जो नॉर्मल इथरनेट होते हैं उसके जैसा सेम स्पीड आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे।